दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा श्रद्धा आर्या को आज किसी पहचान की जरूरी नहीं है, जो अपने सीरियल में एक्टिंग की वजह से लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों पर छाई रहती हैं। और वर्तमान में ये सीरियल कुंडी भाग्य में प्रीता का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में छाई रहती हैं, जहां ये अपने हर एक फैसला सोच समझ कर लेती हैं। लेकिन क्या आप यकीन भी करेंगे कि अपना हर एक फैसला काफी समझदारी से लेने वाली श्रद्धा आर्या को अपनी लाइफ में लाखों के ठगी का सामना भी करना पड़ा है? जी हाँ, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो के जरिए हम आपको श्रद्धा आर्या के साथ हुए लाखों की ठगी के बारे में ही बताने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल बता दें कि साल 2021 में अभिनेत्री श्रद्धा आर्या ने नेवी ऑफिसर राहुल नागर से शादी कर अपना घर बसाया था, जिसके बाद इनके इंटरनेट पर कई तस्वीरें उनके साथ देखने को मिल रही हैं। और शादी के बाद इन्होंने अपने पति के साथ रहने के लिए नया घर भी लिया था, जिसके लिए इन्होंने एक इंटीरियर डिजाइनर को अपने घर की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि उनके घर का काम रह गया था। इसलिए उन्होंने 4 महीने से उस इंटीरियर डिजाइनर को अपने घर का सारा काम दे रखा था, लेकिन ना ही उनका 4 महीने में उनके घर का काम हो पाया और ना ही घर का सामान लाया गया। आपको बता दें, ये इंटीरियर डिजाइनर श्रद्धा आर्या ने ऑनलाइन बुक किया था, जिसके बाद ये 95% उनको पैसे दे चुकी थी, जिसके बाद वो विशाखापट्टनम अपने पति के साथ गई। इसी दौरान उनके पिताजी उनके घर गए थे सिर्फ काम चेक करने के लिए, लेकिन उन्होंने वहां जाकर देखा ना ही उनके घर का कोई काम हुआ है और ना ही उनके घर का कोई सामान है। इंटीरियर डिजाइनर घर के बिजली के सामान के साथ साथ कई जरूरतमंद चीजें अपने साथ ले गए, जिसके बाद श्रद्धा आर्या काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने एक ऐसे इंटीरियर डिजाइनर पर भरोसा कर लिया था जिसने उन्हें ठग लिया, और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी थी, जहां उन्होंने उस इंटीरियर डिजाइनर की इंस्टाग्राम आईडी अपनी स्टोरी पर लगाकर दिखाई थी और कहा था कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि आम इंसान की तरह सेलिब्रिटीज भी ऐसे धोखेबाज लोगों से ठग जाते हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है। वेल दोस्तों, श्रद्धा आर्या के इस खबर के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।